गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे, और जैसे रोज़ बनाते हैं उसी तरीके से अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बनाइए। उसके बाद हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे का अटेंडेंस ओपन हो, अटेंडेंस बन गया। अब आप लोग नोटबुक ओपन कर लीजिए। और आपने नोटबुक ओपन किया SST का, तो मैंने होमवर्क दिया था, कर होमवर्क दिया था हु एम आई, है ना, मैं कौन हूँ। और उसमें मैंने 10 सेंटेंसेस दिए थे और उसमें आपको नाम लिखना था, क्लू था, क्लू दे के नाम लिखना था। मैं उतने सेंटेंसेस नहीं लिखूंगी, मैं नंबरिंग के हिसाब से लिख दूंगी आंसर, जो आंसर है आप सभी बच्चे मैच कर लीजिएगा। तो पहला सेंटेंस था आई फिक्स द इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, आई एम आ, बोला है कि मैं इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता हूँ, आई एम एन, तो मैं कौन हूँ। तो पहले नंबर में आपको क्या लिखना था, जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता है यानी कि वायरिंग करता है, बल्ब स्विच फैन, है ना, बल्ब या फैन के स्विचेस को अटैच करता है, उसे कनेक्शन अपने घर के में डालता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो आपको क्या लिखना था, आई एम एन इलेक्ट्रीशियन, ELECTRICIAN, इलेक्ट्रीशियन, है ना, ये लिखना था। तो आप सभी बच्चे लिखे होंगे, जो नहीं लिखे हैं यानी कि स्पेलिंग भी मिला लीजिएगा कि स्पेलिंग आपका सही है या नहीं, ओके, ये बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरा ये था आई डू द फिटिंग्स ऑफ वाटर पाइप्स, आई एम आ, मैं तुम्हारे घर में वाटर पाइप्स को फिट करता हूँ, यानी कि पानी का जो कनेक्शन होता है, यानी कि चाहे वो टैप से हो, टंकी से हो, है ना, और आपके घर में यानी कि किचन में हो, बाथरूम वाले इलाके में हो, एरिया में हो, चाहे वो वॉश बेसिन हो उसमें हो, तो उसका कनेक्शन करने वाले को क्या बोलते हैं, उसके कनेक्शन करने वाले को प्लम्बर बोलते हैं, PLUMBER। प्लम्बर क्या करता है, आपके घर में पाइप, वाटर पाइप को अटैच करता है नल से, और चाहे वो किचन हो, बाथरूम हो, या जो भी पानी वाला जगह हो जहाँ पे पानी आना चाहिए। तीसरा है आई डिज़ाइन योर हाउस, आई एम एन, मैं तुम्हारे घर को डिज़ाइन देता हूँ, डिज़ाइन बनाता हूँ, नक्शा बनाता हूँ, चित्र बनाता हूँ। तो घर को सबसे पहले, घर जब बनता है तो घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, डिज़ाइन तैयार करना पड़ता है, नक्शा, ज़मीन जितनी रहती है ज़मीन के अकॉर्डिंग हमें पहले नक्शा तैयार करवाना होता है। तो नक्शा, चित्र बनाने वाले को क्या बोलते हैं, आर्किटेक्ट, ACHITECT, आर्किटेक्ट बोलते हैं। तो आपने आर्किटेक्ट लिखा होगा, आर्किटेक्ट का मतलब होता है शिल्पकार, जो चित्र बनाता है उसे। उसके बाद था आई मेक वुडन डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर, मैं लकड़ी का फर्नीचर बनाता हूँ, डोर्स बनाता हूँ, विंडोज बनाता हूँ, आई एम आ। तो लकड़ी के सामान बनाने वाले को क्या बोलते हैं, यस, कारपेंटर बोलते हैं, CARPENTER, कारपेंटर मीन्स बढ़ई, है ना, बढ़ई जिसको बोलते हैं, यानी कि लकड़ी का सामान बनाता है। उसके बाद बात था 5 नंबर में, आई वॉश एंड आयरन योर क्लोथ्स, आई एम अ, है ना, बोला है कि मैं तुम्हारे कपड़े को धोता हूँ, फिर आयरन करता हूँ, इस्त्री करता हूँ। तो कपड़ों को धोने वाले को क्या बोलते हैं, तो कपड़े को धोने वाले को क्या बोलते हैं, धोबी बोलते हैं, यानी कि वॉशरमैन, WASHERMAN, वॉशरमैन, वॉशरमैन मीन्स धोबी। धोबी क्या करता है, पहले कपड़े को धुलता है, धुलाई करता है, उसके बाद आयरन करता है, फिर हमारे घरों में पहुंचाता है, जिसके भी घर होते हैं उनके घरों में पहुंचाता है। उसके बाद था आई ग्रो कॉटन फॉर यू, आई एम आ, मैं क्या करता हूँ, कॉटन को ग्रो करता हूँ, कॉटन, है ना, यानी कि कॉटन के पेड़ को ग्रो करता हूँ, उगाता हूँ, बढ़ाता हूँ। तो मैं कौन हूँ, तो कॉटन के पेड़, है ना, कॉटन का जो पेड़ होता है उसे उगाने वाले को, यानी कि पेड़ों को उगाने वाले को क्या बोलते हैं, फार्मर, FARMER, फार्मर मीन्स किसान। किसान क्या करता है, खेती करता है, चाहे वो फल का पेड़ हो, फूल का पेड़ हो, खाने का पेड़ हो, यानी कि फूड ग्रेन्स हो, सीरियल्स हो, पल्सेस हो, या फिर हमारे क्लोथ जो मिलते हो वो हो, चाहे वो जैसे कॉटन प्लांट है, तो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, जिससे हमारे कॉटन क्लोथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं, ये। उसके बाद था आई स्टिच क्लोथ फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा सिलता हूँ, आई एम आ। तो कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं, तो जो हमारे कपड़ा सिलता है, चाहे वो हम सिलवाते हैं या सिलस लाया रहता है, तो कपड़े सिलने वाले को क्या बोलते हैं, टेलर, TAILOR, टेलर मीन्स दर्जी। दर्जी क्या करता है, हमारे लिए यानी कि हमारे कपड़े को सीता है, चाहे वो मार्केट से हम अनस्टिच्ड क्लॉथ लाएं या स्टिच्ड क्लॉथ लाएं,
ओके तो वो करता है। उसके बाद है आई कट योर हेयर आई एम अ, मैं तुम्हारे बालों को काटता हूँ। मैं कौन हूँ? तो बाल को का, बाल जो काटता है उसे क्या बोलते हैं? बाल को काटने वाले को नाई बोलते हैं, हजाम बोलते हैं उसे इंग्लिश में, बार्बर, बी ए आर बी ई आर, बार्बर मीन्स नाई या हजाम। तो बार्बर क्या करता है? हमारे बालों को है ना कटिंग करता है, कट करता है, छांटता है, छोटा रखता है, हम जिस अकॉर्डिंग चाहे उस अकॉर्डिंग। उसके बाद था आई स्वीप एंड मॉप, है ना, आई स्वीप एंड मॉप दी फ्लोर आई एम अ, मैं तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा यानी कि ज़मीन में करता हूँ, तो मैं कौन हूँ? तो घर में पोछे करने वाले को, पोछा देने वाले को क्या बोलते हैं, है ना, घर में पोछा देने वाले को उसे क्या बोला जाता है? तो जो घर में पोछा देता है या झाड़ू देता है उसे क्या बोलते हैं? देखिए उसे हम मेड भी बोल सकते हैं, नौकर या नौकरानी भी बोल सकते हैं, या स्वीपर भी बोल सकते हैं। तो अगर आप मेड लिखे होंगे वो भी चलेगा, स्वीपर लिखे होंगे तो भी बेस्ट है ना। एस डब्ल्यू डब्ल्यू पी ई आर, स्वीपर मीन्स झाड़ू देने वाला या देने वाली, है ना, या मेड, एम ए आई डी, है ना, मेड, एम ए आई डी, मेड, मेड मीन्स नौकरानी या नौकर, तो मेड भी होता है, दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक, है ना, यानी कि किसी के घर में मेड होता है, नौकरानी होती है जो बर्तन के साथ साथ झाड़ू पोछा भी करती है, और किसी के घर में सिर्फ स्वीपर होते हैं, झाड़ू देने वाले होते हैं, तो आप स्वीपर भी लिख सकते हैं, मेड भी लिख सकते हैं 9 नंबर में, ओके। उसके बाद 10 नंबर था आई मेड योर शूज आई एम अ, मैं तुम्हारे जूते को मरम्मत करता हूँ। जब जूता फट जाता है, बक्कल टूट जाती है, चप्पल टूट जाती है, तो उसे मरम्मत करता है, सिलता है, फिर से बनाता है पहनने के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कॉबलर, सी ओ डबल बी एल ई आर, कॉबलर मीन्स मोची, है ना, जूता चप्पल की मरम्मत करने वाले को कॉबलर बोलते हैं। तो यही था, आप ऐसे ही नंबरिंग में लिख लीजिएगा, फर्स्ट में इलेक्ट्रिशियन होना चाहिए तो आप इलेक्ट्रिशियन लिखिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, दूसरा प्लम्बर, तीसरा आर्किटेक्ट, फोर्थ नंबर में कारपेंटर, फाइव में वॉशरमैन, सिक्स में फार्मर, सेवन में टेलर, एट में बार्बर, नाइन में स्वीपर भी लिख सकते हैं, मेड भी, दोनों में से जो आपने लिखा होगा तो सही है, और 10 में कॉबलर। तो ये 10 था जो कल हमने होमवर्क दिया था, आप सभी बच्चे 1 by 1 करके नंबर के हिसाब से लिखिएगा, जो जिस नंबर पे मैंने लिखा उस नंबर पे ध्यान से लिखिएगा, ओके, ये पहले लिखिए, फिर आज का हम सी डब्ल्यू देखेंगे कि हमें क्या करना है, एच डब्ल्यू, ओके। तो आज मैं आपको क्या करती हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो देती हूँ, आपके बुक से ही रिलेटेड है जो भी आपने पढ़ा, तो वो मैं इसे वाइप कर रही हूँ, और आज का हम लोग देखते हैं कि आज क्या एक्टिविटी हमें करनी है, इसे मैं वाइप कर रही हूँ। सबसे पहले आप सब लोग सभी रिमेंबर लिखेंगे नोटबुक में, रिमेंबर, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर, आपने नोटबुक में लिखा, मैच किया, कल वाले होमवर्क को मिला लिया, स्पेलिंग भी मिला लिया, वर्ड भी देख लिया, और उसके बाद आपको ये भी देखना है कि अगर उस पेज में जगह बच रही है, लाइनें बच रही हैं, तो उसी पेज से लिखना शुरू कीजिए, 3 लाइन से ज़्यादा अगर नहीं है तो आप लोग नया पेज का इस्तेमाल कीजिएगा। नया पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, और हाफ पेज वाले बच्चे उसी पेज में लिखेंगे, लाइन पर लिखेंगे, ओके, और जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं ये दोनों ऊपर लिखेंगे और हेडिंग को लाइन पर लिखेंगे। तो हेडिंग क्या है? नेम द फॉलोइंग, नेम द फॉलोइंग मतलब कुछ क्वेश्चन है उसका आपको क्या करना है, नेम लिखना है, ओके। तो पहला है टू एनर्जी, ई एन ई आर जी वाई, एनर्जी, गिविंग, जी आई वी आई एन जी, गिविंग फूड्स, दो है ना, हमें दो एनर्जी गिविंग फूड्स लिखना है। 1 नंबर, उसके बाद आप क्या कीजिएगा ना, या फिर ऐसे आप लोग नहीं लिखिए क्योंकि आप लोग के लाइन पेज में नहीं आ जाएगा, एक पेज में क्वेश्चन, दूसरे पेज में आपको, दूसरे लाइन में सॉरी, एक लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में इस तरीके से ऑप्शन नंबर डाल दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है टू बॉडी बिल्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एल जी, बिल्डिंग फूड्स, इसी तरीके से ऑप्शन आप लाइन भी खींचेगा जैसे मैंने खींचा। थर्ड है, पहले हम लिखते हैं फिर समझाएंगे, प्रोटेक्टिव फूड, पी आर ओ
PROTECTIVE protective foods. Two spices, SPICES, spices. है ना, पहले समझ लीजिए आपको क्या करना है. नेम रखना है, इन सबका नाम लिखना है, दो दो नाम लिखना है. पहला में क्या है, टू एनर्जी गिविंग फूड्स, यानी कि दो एनर्जी प्रदान करने वाले, ऊर्जा देने वाले भोजन का नाम लिखना है. तो आपने बुक में पढ़ा है फूड में कि कौन कौन सा भोजन हमें ऊर्जा देता है, ताकत देती है. तो राइस, ब्रेड, शुगर, है ना, पोटैटो, ये सब हमें एनर्जी देती है, जिससे हमारे बॉडी में ताकत रहता है, शक्ति रहता है, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, ओके, जीवित रहने के लिए. तो दो, तो राइस या ब्रेड लिख सकते हैं, शुगर ब्रेड लिख सकते हैं, शुगर राइस लिख सकते हैं, जो भी. सेकेंड है, टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग यानी कि शरीर को ग्रो करने वाला. हमारा शरीर, जैसे हमारा उम्र एज बढ़ता रहता है, उसी तरीके से एज के अकॉर्डिंग हमारा शरीर सही से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, उसके लिए हमें कौन सा भोजन करना चाहिए, जिससे हमारी उम्र के साथ साथ हमारा शरीर का भी डेवलपमेंट, ग्रोथ सही हो. तो वो भोजन लिखना है, जैसे पल्सेस है ना, ग्राम है, चना है, दाल है, बीन्स है. तो ये सारे चीज़ को आपको इसमें लिखना है. तो इसमें से टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स का नाम लिखिएगा. थ्री नंबर में है टू प्रोटेक्टिव फूड, दो प्रोटेक्टिव फूड्स का नाम लिखना है. प्रोटेक्टिव में रक्षा करता भोजन, तो वैसा भोजन जो हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, उसी ये रक्षा करता भोजन बोलते हैं. तो बीमारी से रक्षा करने वाले दो भोजन का नाम लिखना है. तो आपको पता ही है, वो दो भोजन का नाम लिख दीजिएगा. फोर नंबर है टू स्पाइसेस, स्पाइसेस मीन्स मसाले, है ना, दो मसाला का नाम लिखना है. तो मसाला बहुत सारा होता है, मम्मी लोग खाना पकाने में यूज़ करती हैं, जैसे टर्मरिक, हल्दी, क्लोव, लौंग, क्यूमिन, जीरा, है ना, कोरिएंडर मीन्स धनिया, मिर्च मीन्स पुदीना, चिली, रेड चिली होता है या ग्रीन चिली होता है, सब स्पाइसेस हैं, जिंजर, गार्लिक, अदरक, लहसुन. तो जो आपको आता है कोई भी दो नाम लिख देना है. समझ में आया, टू एनर्जी गिविंग फूड्स, सेकेंड में टू बॉडी बिल्डिंग फूड्स, थर्ड में टू प्रोटेक्टिव फूड्स, फोर्थ में टू स्पाइसेस. अब हम इसे वाइप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है. फोर्थ तक कंप्लीट है, उसके बाद देखेंगे. हाँ, फोर्थ तक हमने लिखा, फाइव वाला है टू सीरियल्स. Two pulses, PULSES, pulses. Two milk products. Two dry fruits. नहीं है, इतना ही रहने दूंगी. Two leafy vegetables. फाइव नंबर में क्या है, टू सीरियल्स, दो अनाज का नाम लिखना है, फूड ग्रेन्स का, जैसे राइस, व्हीट, बार्ली, मिंट, है ना, राइस फ्लैक्स, राइस पफ्ड, जो भी होता है, चूड़ा, मुरमुरा, है ना, सेमोलिनिया, ये सब जो भी होते हैं. तो आप इसको में से कोई भी दो नाम लिख दीजिएगा. टू पल्सेस, दो दाल का नाम, जैसे लिंटल होता है, रेड लिंटल, ग्राम, किडनी बीन्स, तो जो आपको आता है वो लिख दीजिए. सेवन में है टू मिल्क प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध उत्पादक, तो दूध से बना हुआ चीज़, जैसे कर्ड, योगर्ट, चीज़, पनीर, है ना,
क्या कहते हैं घी ये सब बटर, तो जो आपको आता है कोई भी दो नाम आप लिख दीजिए। एक नंबर में है टू ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स यानी कि जिसको हम लोग मावा बोलते हैं है ना, यानी कि सूखा फल जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं स्वीट डिश में है ना, जैसे राइजिन हो गया, किशमिश, कैश्यू, काजू है ना, एप्रिकॉट, आलमंड, कोकोनट, फिग, अंजीर, डेट्स, ड्राई डेट्स, तो जो आपको आता है आप वो लिख दीजिएगा। नाइन नंबर है टू लीफी वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स मीन्स पत्ता वाला सब्जी, यानी कि सब्जी होता है, सब्जी बहुत टाइप का होता है, तो जो पत्ता वाला होता है जिसमें पत्ता होता है उसको हम पत्ता वाला भाग खाते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि हम लोग एक प्लांट का बहुत सारे टाइप को पार्ट को खाते हैं, जैसे बॉडी में बहुत सारे पार्ट होते हैं उसी तरीके प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, और सभी पार्ट को हम खाते हैं, रूट वाला पार्ट खाते हैं, लीफ वाला पार्ट खाते हैं, स्टीम वाला पार्ट खाते हैं, फ्लावर वाला पार्ट खाते हैं एंड फ्रूट वाला पार्ट खाते हैं, तो हमें लीफी वेजिटेबल यानी कि लीफ पार्ट वाला लिखना है। तो पत्ता वाला जो सब्जी हम कौन कौन सा खाते हैं तो बहुत सारा होता है, जैसे स्पेनिश होता है, मिंट होता है, कोरिएंडर होता है, कैबेज होता है, लेट्यूस होता है, तो आपको जो भी आता है उसमें से कोई भी दो नाम लिख देना है ना। तो ये सभी बच्चे का क्या है, आप नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में इसे नोट कीजिए, और नोट करने के बाद आपका होमवर्क है डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, नोटबुक में करो और याद करो, नोटबुक में इसे बनाना है उसके बाद इसे याद करना है, और कल हम इसे मैच कर देंगे, यानी कि मैं बता दूंगी आप दो ही नाम कॉमन सा लिखे होंगे तो कॉमन दो नेम बता दूंगी, दो दो नाम करके बोल दूंगी कि आपने ये लिखा है तो सही, नहीं लिखा है तो उसे देख लीजिए, स्पेलिंग अगर सेम लिखे होंगे जो हमने लिखाया, अगर आपने सही लिखा स्पेलिंग देख लीजिएगा ओके, तो इस तरीके से हम लोग मैच कर लेंगे। तो मैं अपने पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, आप लोग नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में से नोट कीजिएगा और उसके बाद याद कीजिएगा ओके, स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा, सबका स्पेलिंग के साथ याद कीजिएगा और इसी तरीके से नोट कीजिएगा, पहले लाइन में क्वेश्चन, दूसरे लाइन में इसी तरीके 1 2, मैं यहाँ पे जगह है मैंने नहीं कुछ लिखा, इसी तरीके से आपको ध्यान देख के इसी तरीके से लिखना है। ये तो आपका होमवर्क है, लिखना है, पढ़ाई से रिलेटेड बात है। अब हम जब क्लास को एंड करते हैं रोज़ तो एक गुड हैबिट टिप देते हैं, उसी तरीके से हमारा आज का भी गुड हैबिट टिप है जो कि कीपिंग आवर विलेजेस एंड सिटी क्लीन, अपने गाँव और शहर को आप कैसे साफ़ सुथरा रखें उसके लिए है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम अपने साफ़ सुथरा रखने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हमने बताए हैं, रूल्स बताएं, आप उस रूल्स को फॉलो भी कर रहे हैं और आगे जो जानेंगे उसे भी फॉलो कीजिएगा। आज मैं जो बताऊंगी वो आपका है ना, जैसे प्लेइंग आउटडोर में मैंने बताया था दोनों एक ही बात है, घर से बाहर खेलने का क्या तरीका होना चाहिए और घर के बाहर गांव शहर को सही साफ रखने के लिए क्या होना चाहिए, तो आज का दोनों सेम है। डू नॉट लीटर्स यानी कि कचरा नहीं बिखेरना, तो जाहिर सी बात है घर से बाहर खेलेंगे तो वहाँ पे भी कचरा नहीं बिखेरेंगे, और गांव शहर को साफ़ रखेंगे दैट मीन्स कि वो हमारे घर के बाहर का एरिया है तो उसे साफ रखेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, डू नॉट लीटर्स कचरा नहीं बिखेरना है हमें, चाहे वो कोई भी रैपर हो, पैकेट हो, पील्स हो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, छिलका हो, पैकेट हो किसी भी तरीके का, चॉकलेट का पन्नी जिसको आप लोग बोलते हैं रैपर कहलाता है, रैपर हो या पैकेट जो भी चीज़ है, या वेस्ट पेपर है आपको इधर उधर नहीं फेंकना है, वाटर बोतल है ना यूज़ एंड थ्रो वाला जैसे पानी पीते हैं उसका है तो इधर उधर नहीं फेंक के डस्टबिन है वहाँ डालिए, नहीं तो कहीं पे जहाँ पे कचरा फेंकने का जगह बना हुआ वहाँ पे डालिए, इधर उधर नहीं फेंकिए, उससे वो चीज़ गंदगी लगेगी, और दूसरा ये कि गंदगी में है ना मच्छर और मक्खी पनपेंगे जो कि आपके घर में आपके शरीर पे आएंगे, आपके फूड पे बैठेंगे तो आपको बीमार कर देंगे है ना। तो आपका क्या कर्तव्य बनता है कि डू नॉट लीटर्स कचरा नहीं बिखेरना, ना ही खुद बिखेरिए ना ही दूसरों को बिखेरने दीजिए, इस बात को सभी बच्चे फॉलो करेंगे और अपनाएंगे और दूसरों को भी फॉलो करने को बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।